हम कमिश्नर ऑफिस में आए हैं, हमको ये हम इस इच्छा से आए हैं यहाँ कि हमको न्याय मिले। कल ये मेरे भाई के लड़के को ये लोगों ने मारे, 5 जनों ने। ये मलिक गैंग है पूरे, ये मलिक और उसके 4 लड़के ले कल आए थे, और वहाँ आके ना मेरे ये मेरे भतीजे को लोगों ने मेरे भाई के लड़के को चाकू से मारे। वो मारने गए पेट में, लेकिन उसको पाँव पे लग गया। अब हम यहाँ आए ले कमिश्नर ऑफिस, तो हमारे को कमिश्नर साहब से यही अपील है कि हमको न्याय मिले और इंसाफ मिले हमारे को। ये लोग 4 महीने से हमारे को हैरान परेशान कर रहे हैं लोग। ये पुरानी अदावत ऐसी है कि लड़के ये चोरिया करने भेजता, वो लड़के मेरे भाई के पास में काम पे लग चुके हैं, तो उसका कहना पड़ता है कि ये काम को लग गए ना तो तू मेरे को काम में से भाग दे। मेरे भाई की इतनी वो नहीं है कि उसको भाग देगा, तो बार बार धमकियाँ दे रहा फोन पे। अभी हमारे साथ यहाँ तक एक रिक्शा वाला आया था, उसको भी धमकी दिया, तो रिक्शा वाला हमको छोड़ के भाग गया। रिक्शा वाला भी चला गया हमारे को कोरट से छोड़ के ना। पुलिस आपकी सुनती है नहीं सुनती? पुलिस हमारी सुनवाई नहीं ले रही। पहले हमने सलाखपुरे में 3 महीने पहले भी हमने वहाँ फरियादी करी थी, पर उन लोगों ने कोई इतनी कार्रवाई करी नहीं और इतनी सुनवाई ली नहीं हमारी। और अब भी हम कल भी गए वहाँ पर, ये लोग ने छोकरे को मारने के बाद फिर और ये लोग 10-15 लोग गाड़ी पे तरवाले लेकर आए, मेरे भाई के पीछे भागे भी। तो वो वहाँ फरियादी करने गए तो डायरेक्ट बोलते पुलिस वाले कुछ लगे लाए, कोई को मारे लाए तो लाओ तुम यहाँ, ऐसे हम फरियादी नहीं लेंगे। तो पुलिस मतलब में कोई का मर्डर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, जब फरियादी लेंगे हमारी, वहाँ तक के फरियादी नहीं ले सकते पुलिस हमारी। तो कल भी हमारे को वहाँ से हकाल दिए, फरियादी हमारी ली नहीं पुलिस ने, सलाखपुरे की पुलिस ने। और जो निम्बायक पुलिस स्टेशन में गए हम लोग, तो वहाँ भी हमको 8 बजे से 1 बजे तक बैठा के रखे, उस बार फरियादी लिए भी, पर हमको वहाँ से कुछ दिए नहीं, एफ आई आर की कॉपी जिसी कुछ दिए नहीं उन्होंने। अभी हम यहाँ कमिश्नर ऑफिस इसीलिए आए, हमने यहाँ बात करे, तो अभी हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए यहाँ से बस।